जिला स्तरीय 3 दिवसीय अंडर 19 छात्र छात्राओं की एथलेटिक प्रतियोगिताएं अनुस्थित सिंथेटिक ट्रैक पर आरंभ हो गई हैं। प्रतियोगिता में जिला के 57 सरकारी तथा निजी स्कूलों के 440 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा दीप प्रज्वलित कर 3 दिन तक चलने वाली एथलेटिक प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ किया। जिला स्तरीय 3 दिवसीय अंडर 19 छात्र छात्राओं की एथलेटिक प्रतियोगिताएं अनुस्थित सिंथेटिक ट्रैक पर आरंभ होगी। प्रतियोगिता में जिला के 57 सरकारी तथा निजी स्कूलों के 440 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा दीप प्रज्वलित कर 3 दिन तक चलने वाले एथलेटिक प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ किया। उन्होंने खिलाड़ी छात्रों का आह्वान किया कि वह शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। प्रदेश सरकार खेलकूद प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान करने के अलावा सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने खिलाड़ी छात्रों से नशे से दूर रहने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने तथा इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, हमीरपुर भाजपा मंडल महासचिव हरीश शर्मा, राजेश गौतम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर की प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर, प्रधानाचार्य डीएवी विश्वास शर्मा, एडीपीओ राजेंद्र शर्मा, जिला डीपीई संघ के अध्यक्ष सुनील कपिल, समन्वयक जिला एथलेटिक मीट प्रवीण पठानिया, एसएमसी अध्यक्ष अंजना कुमारी भी उपस्थित रहे। एथलेटिक्स टूर्नामेंट के शुभ अवसर पर मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए मैं सभी आपके हाथों में सुरक्षित है। मुझे बार बार इस तरह के आयोजनों में आने का मौका मिलता है और हर बार जो भी यहाँ पर जितने भी इवेंट्स का मुझे आने का मौका मिला, बच्चों की स्ट्रेंथ जो हर बार ज़्यादा बड़ी संख्या में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस बार जो डिस्ट्रिक्ट का आपका यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें लगभग 450 करीब बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। ये हमीरपुर के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। बच्चों, जहाँ एजुकेशन हमारे लिए, हमारे कैरियर के लिए और देश को आगे के ले जाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी एक स्पोर्ट्स में भाग लेना, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना जो है वो भी उतना ही जरूरी है। मैं तो इंद्र शर्मा जी को, राजेंद्र वर्मा जी को, भाई इनसे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर डीपीज हैं और स्पोर्ट्स से जितने भी रिलेटेड हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमीरपुर का अगर हम जिले का स्पोर्ट्स का हम अपना रिकॉर्ड देखें तो हम स्टेट में अग्रणी सबसे आगे जिलों में से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए मैं सब इनका जो जितने भी यहाँ से हमारे ऑफिशियल्स हैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इनको मैं बधाई देता हूँ। की बात हो, जैसे मैडम प्रिंसिपल ने कहा कि बिना हार्ड वर्क से आप कुछ नहीं कर पाओगे, और मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो चाहे आज, चाहे कहां से 10 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो जिंदगी में सफल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इट इज प्रॉपर टाइम फॉर यू, आपकी जो स्कूल एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन आप ले रहे हैं, आज से ही अपना आप एक एम फिक्स करिए। अगर आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, आपने अपनी लाइफ में एक एम रखी कि मैंने जिंदगी में ये बढ़ना है, अच्छा एजुकेशनिस्ट बनना है, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, तो आज से ही उस एम को अचीव करने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और वो दिन दूर नहीं, कोई भी चीज़ जो है जिंदगी में असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कठिन परिश्रम लाइफ में एक पड़ाव पे आपको करनी पड़ती है। और अगर आप आज से ही अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो आप चाहे अच्छा स्पोर्ट्समैन कोई एम प्राप्त किया है उसको आप वापस या अचीव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी सिंगल भारतवर्ष माने मोदी जी के नेतृत्व में
और प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम जी ने बच्चों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन जहाँ हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ हमें आगे बढ़ने के साथ साथ समाज में कुछ हमें बुराइयां भी नजर आ रही है। और आप हैरान होंगे कि आज को हमारा युवा जो स्कूल में बच्चा है, उसकी ओर भी अट्रैक्ट हो रहा है, और ये बहुत बड़ी संख्या है। ये आप भी अपने आस पड़ोस अपने दोस्तों में ये महसूस करते होंगे कि ड्रग एडिक्शन जो है वो डे बाई डे बढ़ रही है, और किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी जिले का या किसी स्टेट का अगर 25% ना तो उस परिवार का, ना उस स्टेट का, ना उस डिस्ट्रिक्ट का, मैं समझता हूँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ड्रग से दूर रहिए, और खासकर जो बच्चा स्पोर्ट्स में अपने आप को स्पोर्ट्स के साथ जो जुड़ गया, ऑटोमेटिकली वो ड्रग से दूर चला जाएगा। तो अपने आप को फ्री टाइम है उसमें आप जरूर स्पोर्ट्स की कोई ना कोई एक आधा इवेंट लेकर उसमें आप अपना समय बताइए और ड्रग से दूर रहिए। ड्रग एडिक्शन जो है ये एंड में ये लाइफ, इसमें एक किस्म को जो एडिक्ट हो। और साथ में आपको ये भी कह देना चाहूँगा कि जहाँ हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल का जहाँ हमें आज की दुनिया में इसका बेनिफिट्स भी बहुत है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। और बच्चे हमेशा मोबाइल के साथ, मैं तो ये कहूँगा कि जब आपका प्राइम टाइम है, चाहे पढ़ने का है, खेलने का है, इस मोबाइल से दूर रहिए और इसको एजुकेशन पर्पज के लिए ही यूज़ करिए। अत्यधिक मोबाइल का यूज़ करने से हम परिवार से कट रहे हैं, हम अपने संस्कारों से कट रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, ना तो हम वेस्टर्नाइज हो पा रहे हैं और ना ही हम इंडियन रह पा रहे हैं, और ये जो बीच में हम फंस गए हैं ये हमारे देश के लिए और आपके लिए ठीक नहीं है। ये इसलिए मोबाइल का वही प्रयोग करिए जहाँ इसकी ज़रूरत है। और साथ में मैं आप सबका सहयोग इसलिए भी चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। प्लास्टिक के प्रयोग पर हमारा ठीक रहे, हमारा घर साफ रहे, हमारा समाज साफ रहे और हमारा राज्य साफ रहे। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो फैलता है वो प्लास्टिक से फैलता है, लेकिन सरकार ने इसके रोक लगा दी है। लेकिन सरकार को तभी सफलता मिलेगी जब बच्चों, आप लोगों का और हम सभी समाज में जितने भी लोग रहते हैं, अगर उनका सहयोग मिलेगा। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि प्लास्टिक का बिल्कुल प्रयोग ना करिए, कूड़ा करकट उसी जगह पे रखिए जहाँ पर रखने का स्थान है। मैं हैरान होता हूँ, सुबह मैं कई बार शहर को निकलता हूँ, पार्क हमारा बहुत अच्छा है, कल ही मैं शहर के लिए निकला था तो मैंने ये देखा कि सड़क के किनारे पतली कितनी, वहाँ पर रात को लोगों ने कोई शराब की बोतलें और कचरा और कागज जो सड़क के किनारे बिखरा हुआ था। जब तक हमारी मेंटल इसमें सोच में बदलाव नहीं आएगा, सरकार चाहे जितना भी कानून पास कर ले, समाज को सरकार को इसमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप सबका इसमें सहयोग रहेगा। बच्चों तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप अभी ये 3 दिन जो आपकी प्रतियोगिता चलेगी, मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा और मैं आपको शुभकामना भी देना चाहूँगा कि आप जिस भी इवेंट्स में पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपना पूरा दमखम से, पूरी मेहनत से उसमें अपना प्रदर्शन करेंगे और जो टॉप है, जो ट्रॉफी आपको दिखेगी, उसको प्राप्त करने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों मैं आपको ये भी कह देना चाहूँगा कि जिंदगी में कोई भी चीज़ हो वो संभव नहीं है, टॉप हमेशा खाली रहता है, टॉप कभी नहीं भरता है, लेकिन उस टॉप को प्राप्त करने के लिए जो यहाँ ज़्यादा मेहनत करेगा वो ही उस ट्रॉफी तक पहुँच पाएगा। इसलिए जिंदगी में कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करिए, टॉप हमेशा खाली है, उसको अचीव करिए इसी आशा और विश्वास के साथ कि जिनको स्वर्ण ट्रॉफी मिलेगी उनको मेरी तरफ से बधाई, और जो रनर अप और बाकी रह गए उनको मेरी शुभकामनाएं कि अगले साल आप मेहनत करेंगे, उस ट्रॉफी को प्राप्त करेंगे। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।